नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो मैंने पहला पार्ट बनाया था, अभी उसमें मैंने क्या किया है कि मैं जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी हो गया, ठीक है, आईआरडी हो गया, इन सबको भी जोड़ दिया है। तो ये कंप्लीट वीडियो बन जाएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, आरबीआई, एसबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ। प्लस इवन जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड वाला है उसको भी जोड़ दे रहा हूँ। प्लस जितनी भी ऐसी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेटर्स हैं या फिर जितनी भी हैं, तो ये तीन पार्ट में बन पाएगा। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग कुछ देख लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने आरबीआई, एग्जिम बैंक, एनएचबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सब कुछ बता दिया था मैंने। अब इसमें आगे देखते हैं, ये पीछे से चालू करता हूँ मैं आपको। ये है जैसे कौन सी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जितनी मैं बात बता रहा हूँ बस उतनी ही सुन लीजिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या कंट्रोल करती है, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग चाहे जहाँ भी हो रहा हो, टीवी में हो रहा है, प्रिंट में हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी हो रहा है, उन सबको कंट्रोल करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है ये, ठीक है, लेकिन कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया है इसके काम को। तो इनका जो है ये कोड खुद बनाती हैं, सेल्फ रेगुलेशन करती हैं, प्लस जितने भी एडवर्टाइजिंग हो रहे हैं उनको ये देखती हैं कि वो सभी डिसेंट रहें, कोड के अंदर रहें, ये सब कुछ है। और कहाँ कहाँ जितने भी मीडिया हैं आपके माध्यम, जैसे प्रिंट, टीवी, सब जगह। तो ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, 1985 में हुई थी, हेड क्वार्टर इसका मुंबई में। इस समय इसके कौन है, की पर्सन यानी कि डी शिव कुमार है ये चेयरमैन। फिर और ऊपर चलते हैं, IRDA। IRDA क्या करती है, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं इंडिया में उन सभी को रेगुलेट करती है, उसी के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टेटूटरी है, यानी कि एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है। इसके लिए एक एक्ट किया गया था, उसके थ्रू ये क्रिएट की गई। उसके लिए कौन सा एक्ट था, IRDA एक्ट 1999, ठीक है, ये एक्ट पास किया गया था, इसीलिए स्टेटूटरी बॉडी है ये। तो ये इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस दोनों को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में, और ये पहले था दिल्ली में, फिर दिल्ली से ये मूव करके हैदराबाद ला दिया गया था। 10 मेंबर की बॉडी होती है IRDAI में, एक चेयरमैन होते हैं प्लस फुल टाइम मेंबर होते हैं, पाँच और फोर होते हैं पार्ट टाइम। तो IRDA ये है पूरा, इसका हैद इस समय हेडक्वार्टर कहाँ पे हैदराबाद में। देखिए हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, जो बैंक वैंक वाले लोग तैयारी करते हैं, SSC वाले, वहाँ पे ये भी नाम पूछते हैं जनरली कि चेयरमैन कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया हैं इस समय, ठीक है। तो ये IRDA हो गई। और फिर देखिए सेबी के बारे में बात करते हैं। सेबी मतलब जितनी भी सिक्योरिटी वाला जो मार्केट है उसमें, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब जितनी भी इक्विटी होती, कमोडिटी, उसके लिए कौन ये करता है, ये आपका सेबी करता है, सिक्योरिटी मतलब जो इक्विटी वाला जो भी पार्ट है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये सेबी को सबसे पहले तो एक नॉन स्टेटूटरी बॉडी की तरह बनाया गया था सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन फिर इसमें एक एक्ट पारित कर दिया गया, एक्ट पास कर दिया गया 1992 में, और फिर ये बन गई स्टेटूटरी बॉडी, ठीक है। तो सेबी एक्ट आया था 1992 में और इसकी के साथ बन गई थी सेबी स्टेटूटरी बॉडी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है ये, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। प्लस इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं कहाँ कहाँ, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। और सेबी क्या है, ये रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ मार्केट का। 1988 में इसको क्रिएट किया गया था, लेकिन स्टेटूटरी पावर 4 साल बाद दी गई थी 1992 वाले एक्ट के थ्रू। अब देखिए इसका यही वो लिखा हुआ है, इस समय जो इसके हेड हैं वो कौन है, अजय त्यागी हैं, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और सेबी में 20 डिपार्टमेंट हैं जिनके थ्रू ये पूरी इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में को रेगुलेट करती है। वो कौन कौन से हो गए, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट हो गया, कॉरपोरेशन फाइनेंस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ डेप्ट हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ये सॉरी डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे इसके 20 डिपार्टमेंट हैं इसके। एज अगर आप देखेंगे तो सेबी के अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले, सेबी की पावर भी एक्सटेंड कर दी गई थी कि ये सीजर भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी सीज करते हैं, तो ये सब चीज़ें हुई हैं अभी। फिर देखिए IDBI क्या है, अब देखिए इसका नाम भी अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा ना, कम से कम आपको नाम तो पता होना चाहिए। UPPCS 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि विच इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर आपको ये एग्जैक्टली ये नाम भी पूरा फुल फॉर्म पता होता तो भी करेक्ट हो जाता। जैसे कि IDBI है और IDFC, उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वो वाला इंडस्ट्रियल है कि ये इंडस्ट्रियल है। इसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
1964 में इसको किया गया था, एक एक्ट के थ्रू किया गया था, यानी कि स्टेटूटरी बॉडी है। और बेसिक इसका पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियल के लिए, जो भी इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट करना उसके लिए फाइनेंस देती है। ये पब्लिक सेक्टर बॉडी है, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 80% है, लेकिन अभी एक बात चल रही है कि LIC इनका 51% एक्वायर कर लेगी, ठीक है। IDBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, की पीपल यानी कि चेयरमैन कौन है, राकेश शर्मा, और मतलब कुल मिला के पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब देखिए इसमें एक और बात है कि अभी जैसे SBI का मर्जर हुआ है तो कितनी बैंक हो गई हैं, अब कितनी PSU हो गई हैं, कितनी प्राइवेट हो गई हैं, सब कुछ बताऊंगा इसमें मैं। IDFC क्या है, IDFC का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये चेन्नई में है, 1997 में फाउंड की गई थी ये। और देखिए ये IDFC में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, ये पहले और दूसरे बिजनेस पे थी कई सारे फाइनेंशियल में, फिर 2015 में इनको बैंकिंग लाइसेंस दे दिया गया तो बैंक भी बन गए हैं। DGFT क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और ये किस चीज़ के लिए, जो भी फॉरेन ट्रेड होता है उससे रिलेटेड जो लॉ होते हैं उनको एडमिनिस्टर करती है DGFT, ठीक है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। इसका हेडक्वार्टर वहीं दिल्ली में ही है, और इसके 4 जोनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में, ठीक है। 35 इसकी रीजनल अथॉरिटीज़ हैं। इस समय देखिए क्या है, इस समय 21 PSU बैंक हैं इंडिया में, याद रखिएगा 21 पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं, ठीक है। टोटल वैसे 19 हैं नेशनलाइज बैंक, एक तो SBI वाला पूरा ग्रुप हो गया, SBI और उसमें जो 5 SBI के एसोसिएट हैं वो, और प्लस भारतीय महिला बैंक को जोड़ दिया गया था तो वो SBI वाला ग्रुप हो गया, और एक और बैंक है, ठीक है। टोटल मिला के 21 PSU बैंक हैं इस समय, 40 प्राइवेट हैं, 40 में से 21 जो है टोटल प्राइवेट बैंक हैं, प्लस और भी कई सारी कैटेगरी यहाँ पे, और 6 यहाँ पे पेमेंट बैंक हैं इस समय। सबसे पहली जो पेमेंट बैंक बनी थी वो एयरटेल ने बनाई थी, ठीक है। दूसरी और तीसरी किसने बनाई जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। 56 इस समय RRB हैं, 45 फॉरेन बैंक हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं। इसका नंबर एग्जैक्टली रट लीजिएगा आप, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे ये प्राइवेट बैंक है, अभी आरबीआई की साइड से मैंने लिंक निकाली है, ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी है, इस समय टोटल मिला के 21 हैं, ठीक है। तो 21 हो गए हैं जब SBI मर्जर हो गया, इसके बाद 21 हैं आपकी PSU। प्राइवेट कितनी है, प्राइवेट में ये देख सकते हैं आप, प्राइवेट में टोटल जो आपकी 21 तो ये हो गई टोटल प्राइवेट वाली बैंक, फिर लोकल एरिया बैंक हो गई 3, फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो सब भी प्राइवेट में आती हैं, प्लस पेमेंट बैंक जो 6 हो गई, ठीक है। एयरटेल हो गई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गई, फिनो पेमेंट हो गई, पेटीएम हो गई, आदित्य बिरला और जियो, तो 6 पेटीएम बैंक है, याद रखिएगा। टोटल 40 हैं आपकी प्राइवेट बैंक सब मिला के, और 21 हैं मेजर वाली बैंक, ठीक है, प्राइवेट। तो 21 हैं, 21 मेजर प्राइवेट हैं, 21 मेजर पब्लिक सेक्टर वाली हैं, ये आप याद रखिएगा। 6 पेमेंट बैंक हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, टोटल मिला के 21 अभी मैंने बताया आपको, जो है टोटल मिला के 45 हैं फॉरेन बैंक। अब ये भी RBI की साइड से निकाला है मैंने, देखिए टोटल क्या है, इस समय नेशनलाइज बैंक हैं 19, SBI और एसोसिएट उनके हो गया 1, और 1 हो गया आपका अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो टोटल ये 21 PSU हो गई, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में मेजर वाली 21 हैं, प्लस 6 पेमेंट हैं, और प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन बैंक है 45, शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है 20, नॉन शेड्यूल हैं 13, और प्लस इतना नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने लिख दिया काफ़ी सारा मैं लिख रहा था इसमें। अब SBI के बारे में देख लेते हैं, SBI सबसे इम्पोर्टेंट है। SBI ये देखिए, मैं यहाँ तक तो बता ही चुका था मैं आपको, SBI जो है वो अभी इस SBI का मर्जर हुआ था, ठीक है। SBI की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता थी 1806 में। अब देखिए उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स होते थे तो 3 जो मेन उनके एरिया थे, एक हो गया बॉम्बे, एक हो गया कलकत्ता, और एक हो गया मद्रास, ठीक है। यही 3 जगह पे ये लोग सब कुछ बनाते थे, जो आपने देखा ट्रेडिंग पोस्ट हो गई चाहे बैंक हो, क्योंकि यही इनके पोर्ट थे, यहीं से सब माल वाल ले जाते थे, यहीं से पूरा इनका सब धंधा पानी चलता था, तो यही 3 पे वो बनाते थे, इसीलिए 3 बैंक बनाई गई थी जो प्रेसिडेंसी बैंक कही जाती थी। इसको बोलते थे बैंक ऑफ कलकत्ता, इसको बोलते थे बैंक ऑफ मद्रास, इसको बोलते थे बैंक ऑफ आपका बॉम्बे। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और फिर ये बनी 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI, फिर ये 1 जुलाई 1955 पे SBI बनी, और फिर फाइनली 1956 में 2 जून 1956 में SBI को नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये कहाँ से चालू हुई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता से चालू हुई थी। ये लार्जेस्ट बैंक है इस समय इंडिया की, 23% मार्केट इसका शेयर है एसेट में, और 1/4 इसका शेयर है टोटल लोन में, ये आप याद रख सकते हैं। किससे किससे मर्ज होकर बनी थी, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे से, ठीक है। और टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें है ये 60% है करीबन, ठीक है। 2008 में मतलब जो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा जो है
आरबीआई से भी शेयर ले लिया था, मतलब पहले आरबीआई के पास भी कुछ शेयर था, इस समय एसबीआई पूरी की पूरी ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। मुंबई में इसका है मुख्यालय, राजेश रजनीश कुमार है इसके चेयरमैन। लेटेस्ट मर्जर के लिए एक बिल पास किया गया था, स्टेट बैंक रिपील एंड अमेंडमेंट बिल 2017, इसमें जो 6 आपकी सब्सिडरी थी इनकी उनको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया, और इस बिल ने 2 बिल जो पहले थे सब्सिडरी वाले उनको भी ख़त्म कर दिया, 1959 वाला और 1956 वाला, ठीक है। तो इस समय और 2017 में ये अप्रूवल दिया गया था, फाइनली अब इस समय मर्जर अर्जर हो चुका है। और इस समय ये बताइए एसबीआई की करंट क्या है सिचुएशन, ये पूरी दुनिया में कितने नंबर पे है ये, और ये अगर मान लीजिए ये भी पूछा जाए कि कौन कौन सी जो है एसबीआई की, देखिए यूनियन कैबिनेट ने 2017 में डिसीजन दिया था कि एसबीआई को मर्ज कर दो, इनकी 5 जो सब्सिडरी हैं कौन कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, पटियाला के साथ भारतीय महिला बैंक, ठीक है, इनको कर दो। तो ये है कुल मिला के टोटल डेटा पार्ट 2 में, और इन तीनों को मैं पहले अलग अलग कर रहा हूँ, फिर मैं एक तीनों का कंबाइंड मर्ज करके वीडियो दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो जाएंगे उसमें, रेगुलेटर्स भी हो जाएंगे, प्लस जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज है सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये UPPCS की टेस्ट सीरीज़ है, लास्ट के अगर 10-15 दिनों में आप पूरी टेस्ट सीरीज़ भी लगा कर डालें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जो मेन मेन पॉइंट है वो सब कुछ इसमें दिया जा रहा है, 44 इसमें GS के टेस्ट हैं, प्लस 8 CSAT के टेस्ट हैं, और प्लस जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सबकी PDF, और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं जैसे उनकी भी PDF, सब कुछ मेल करी जाएगी। 500 का डिस्काउंट भी है अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली पे करके, जो आपका पेमेंट लिंक है वो writing editing job@gmail.com पर भेजें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।